सभा में विराजमान आदरणीय माँ बहन बेटी, इलाके की सरदारी, रिजानला शहीद परिवार से जो भाई आए थे, हमारे शहीद जो है सूरज सिंह साहब के इस परिवार से, और खास तौर से कुमाऊं ग्रुप, और आज तो बड़ी खुशी हुई कि भाई किस कुमाऊं वाले भी काफी साथी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक गुजारिश करूंगा, कुछ चीज कड़वी हो जाए तो बुरा मत मानना। पहली बात तो ये जितने भी गांव-गांव इलाके में या कहीं भी जो चारों दिशाओं में आयोजन हो रहे हैं रेजिमेंट के जागरण के लिए, मैं खास तौर से जो हमारे ठंडे लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि सबको बोलने का मौका मिलने का ये प्रोग्राम नहीं है, ये है जन जागरण। और जिसको मुहिम के बारे में मालूम है या कुछ और योगदान देना चाहता है उसी को हम करते हैं। अब दिक्कत क्या आती है, हमने नियम बढ़ा रखे हैं, हम ढाई घंटे के अंदर प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करते, वजह यह है दो ढाई घंटा का फालतू हीर बैठ ही ना सके, ठीक से ना। ये कोई नेताओं को तो प्रोग्राम से नहीं कि दो बजे की कहीं छह बजे आयो, हम और मैं 11 बजे आ रही हूँ, 11 बजे टाइम, क्योंकि हम ना ये जातम पूरी समाज की है, किसी एक आदमी की नहीं है, और जगाना और जोड़ना यही काम है। तो बुरा मत मानो, और मैं तो कई बार इनको कहता हूं मेरा वाला रूस जाए समा वाला थम इसके जो ये मंच के संचालक बनो मत, क्यों थम गाड़ी ना सुन सको, मैं सुनने खातर तैयार छू, गुरु बनाने खातर भी तैयार छू, तो भाई फिर मन नहीं देते मैं कर लूंगा। तो मैं रेजिमेंट पे सीधा जाता हूं, और भाई मेरे पे भी ना लागू अगर जब भी बंद करूं बता दी। देखिए ये जो लड़ाई है ना, ये कई मोर्चों पे लड़नी पड़ रही है। आज हमारी एक टीम दिल्ली भी गई है कुछ नेताओं से मिलने के लिए। सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अपना कैसे, दिक्कत क्या आई, ये ऐसा एक मुद्दा है ना तो कहीं किताब में मौजूद, ना कहीं स्कूल में कोई मास्टर पढ़ा हुआ है, और ना भाई दादो दादी छुड़ा हुआ है बात, ना ये समझ ना कहीं का, और बोलो सारो चाहो से तो ना उसको होना इसे जान पूछ के। अब मैं ये जो मैं भी कहीं किताब में ना पढ़ी से, ये जो दो चार दशक में घूम घूम कर लोगों से सुनी और गलतियों से सीखा वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो जान पूछ के या अनपढ़ता में अज्ञानता में गलत नैरेटिव खड़े करे गए, और उनके जिम्मेदार दो आदमी हैं, एक तो खुद ही हमारे फौजी, और दूसरे एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है डिग्री धारी अनपढ़ों का, मतलब बहम से कि पढ़ा लिखा से कागजी डिग्री भी से सरकार की मान्यता प्राप्त लेकिन ज्ञान नहीं से, और बिना संस्कारों वाला ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक है। मन तो लाके से जितना जो संप्रदाय चल रहा है, अगर ये आज का दौर में पैदा होता वो संप्रदाय खड़ा ही ना उसका था, क्योंकि मारा खाता तो अनपढ़ बढ़िया था, कम से कम सुना तो करता, ये जो डिग्री धारी से ना तो ना बेरो ना ही सुनने दिया। तो गलत नैरेटिव क्या बनाए गए, मैं अभी गांव में रोज एक समस्या आती है, अभी एक 13 कुमाऊं के हमारे जंगी सरदार साहिबान ने बताया मेरा गांव में नू कैसा है कि नेहरू जी लिख गयो थो कि रेजिमेंट ना बना, भाई किताब लाते ना दूसरो किताब लाओ ना, बस इनको कहानी छेड़ दी। और ये मैं तो उन लोगों की बता रहा हूं जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे, मैं हाड़ी की बात ना कर लो, पहाड़ी की बात ना कर लो, तुम सिर कहते तो फोड़ा भाई। इसीलिए गांव गांव में जा रहे हैं कि ये जो नैरेटिव खड़े करेंगे, ये जो मिथ खड़े करेंगे, इनको पहले धारा सही करना पड़ेगा। और जिंदगी में ध्यान रखना, पहली लड़ाई अपनों से होती है जब धर्म की स्थापना होती है। कृष्ण जी ने पहले अपने गलत भिजवाया था जब जाकर के नाम धर्म स्थापना हुई थी। तो मेरी ये गुजारिश है मंच पे तो सबको मौका ना मिले तो नाराज नहीं हो, आप वक्ता के बजाय अच्छे श्रोता बनिए पहले, बाद में वक्ता ही बनने का मौका मिलना चाहिए। और हम गांव गांव जाते हैं, हम सिर्फ एक चीज मांगते हैं, कई जोश मांग कर कहते हैं सब आग लगाते हैं और फूंक देना डट जाए भीम बली,
कलयुग में रक्तदान नहीं चाहिए हमने। रक्तदान करना तो देश के लिए करना, मौका है जब। हमें वक्त दान चाहिए, टाइम चाहिए आपका। चाहे वो हम महीना में एक दिन दे दो, तीन महीना में, छह महीना में, साल में। कलयुग में वक्त दान से बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि जय आदमी करने चले जाओ वही कहो बाबा टाइम को ना मेरे कनोर स्कीम भी ले ले। हमने खूब चुनकर हम दो महीने पहले लगा कि कौन सी तारीख करा कौन सी तारीख, तो डर लाग गए। पहले नोट लाग गए हीर कह भाई तो ब्याह शादी को सीजन से। फिर बोले आखिरी हफ्ता में करा, बोले नौ साल आओगे तो मैं नाचूंगो जब भी टाइम को नहीं मेरे कने। फिर डर रुके कहो कि भैया 7 जनवरी इतवार से सारा थाली से खेत खैर को भी काम करना, ब्याह शादियों को भी मनाई हो रखी से। तो ये भी एक आगे बोले भाई संक्रांत देर जानी से बुआ के। तो भाई मारो जी जाने से कहा इतना चला रहा सा। सबकी सुनागा लेकिन मानागा सबकी नहीं भाई, जो उचित लगेगा उसको ही मानेंगे, जो गलती होगी उसमें सुधार भी करेंगे। तो ये जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, एक तो ये आगे नेहरू जी लिख गयो। पहले नू कहा करता अंग्रेज लाल शाही के लिख गया, लाल पीली लीली शाही सारी ढूंढ ली, पता नाम इलिश मैंने, और कहीं कहना शायद तो भाई दिखा दो मान लेंगे हम। तो ऐसी झूठी बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने तो एक समझ में आई, मेरे माफ कर रहा है मैं गलत समझ जाऊं भाई बेटी से, या एकता कहें कि लुगाई से तो थम ढूंढ रहे इतना दिन आकर जो से एकता को गीत गाओ कर जय से। सुन लो जय जय का भैम से एकता को हम एक दिन सेमिनार कर लेते हैं, उस चर्चा इस एकता पर ही करेंगे। जिंदगी में जी कोई सा युग हो, जी द्वापर हो, जी सतयुग हो, जी कलयुग हो, अगर परफेक्ट एकता कहो कि 100 का 100 आदमी एक जगह तो कभी नहीं हुए। कृष्ण जी के युग में भी उनकी सेना और कुछ उनके रिश्तेदार कौरव की तरफ से लेकर थे, कुछ रिश्तेदार खुद कृष्ण जी पांडव की तरफ से, फिर कौन सी वो है जो धारा में ऐसा कौन सा ऐसा नीतिवान होगा जो एक दिन में एकता खड़ी कर दोगे। एकता का मतलब होता है 60 में से अगर 40 आदमी भी एक मुद्दे पर इकट्ठे आगे तो समझ लो एकता होगी। तो इसके ऊपर कभी नकारात्मक बातें न हो और सारी कहानी जज्बे की। अगर एकता की बात है तो मैं बताऊं ना, बात यह है कि आपको दिशा कैसे दी जाए, आपका जज्बा है। अभी आपने हफ्ते भर पहले देखा होगा दुनिया की हेडलाइंस बनी कि शायद 51,000 जो है हिरानियां जो है श्री कृष्ण जी के जो है वंदन करने के लिए इकट्ठी हो गई। और पहले से इकट्ठा कैसे करना, तो कई नेता इकट्ठा नहीं करी है। 10-12 बाण बेटी थी, उनका मन में आएगी भाई ऐसा होना चाहिए, सिर्फ हिरानी आए कर दिए, और कब लाखों आदमी भी इकट्ठा होगा और करोड़ों रुपए लगा भी दिए। तो इसका मतलब कहीं एकता पेकता की जरूरत ना इसे, सिर्फ यह है हम अपनी एकता पाल लो और ठेको मत लो। जय दिन मौत तो मिला नहीं कहोगी भाई हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने औरा की चिंता ना इसे। इतना भी कर दोगे तो मुद्दा मिल जाएगा, बन जाएगा, सिरे चढ़ जाएगा। कभी भी हारो मत। अब अगर आप इस चीज की कह रहे हो एकता की, तो ये जब मुद्दा शुरू करा था, वैसे तो भाई हमारे जन्म से पहले का है। 2 आदमी था, एक संगठन बढ़ाओ नाम उसको राष्ट्रीय दे दियो, एक उनको प्रेसिडेंट बन गए, एक महासचिव बन गए। वही 2 आज कितने लोग जुड़ गए चारों दिशाओं के। बस कमी यह है कि जो है सही दिशा नहीं मिल रही है, नहीं तो जज्बा तो कौन के अंदर तो है। जब शुरू में कराया तो हम एक बहुत बड़ा जनरल साहब कहने गया, बोले जी ऐसा प्रोग्राम करो सर्जमेंट को। तो सवाल आए, ये मुद्दा मैं 30 तारीख के ऊपर बता रहा हूं, सवाल आए जनरल साहब बोला भीड़ कितनी आवेगी। मानो जी बेरो ना, हम पूछ का वहां साहब, हम गए आम आदमी के ना, मैं बोला भाई कितना इकट्ठा हो जाएगा, नो बता पहले फौजी अफसर कितना आएगा। मैं बोला भाई फौजी अफसर नो का भीड़ कितनी आएगी, भीड़ का फौजी अफसर कौन होगा, फिर इसका मतलब इकट्ठा ही ना हो। तो ये उम्मीद छोड़ दो, पूरा नहीं माने कोई भी नेता तुम्हारे नेताओं से कभी भी नेताओं, क्योंकि नेताओं के अलग इंटरेस्ट हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई विचारधारा किसी दल से, वो कभी इकट्ठे नहीं होंगे। इकट्ठा सिर्फ और सिर्फ आम अहीर को होना है। अगर इन बटालियों का इकट्ठा यहां का अगर सबकी भी हो जाता तो हम सबसे पहले इनके पाव पकड़ा था, ये तैयारी ना हो, तब जाके गांव गांव में लिख दिया सब कि भाई आम अहीर ही जाग जाए। तो मेरी गुजारिश यह है आप इनसे या और किसी से उम्मीद, या मेरा को उम्मीद मत करो, पहले थमी खट्टा तो जो, और
सिर्फ ये अपना प्रण कर लो कि साल छह महीना में जहां रेजिमेंट के लिए पंचायत होगी, दो घंटा ढाई घंटा, इससे ज्यादा लंबा हम नहीं करते प्रोग्राम, वहां आ जाओ और चुपचाप सुनो और अपना कुर्बा नहीं जगा लो, और आगे तो देखी जाएगी अपना पोता ने बेटा ने और परिवार के जो सदस्य हैं उनको। और भावना क्या होती है मैं इसका एक किस्सा बता देता हूं और हकीकत बताता हूं। आज तक दुनिया में जो एक ऐसी कौम हुई है जिसकी खूब पिटाई हुई है, खूब अत्याचार हुए, उनको काटा गया है हर युग में, और इतने से हैं वो, और वैसे वो व्यापारी वर्ग के हैं, वो हैं यहूदी। तो जब यहूदियों का पैर आया कि वाकई भाई ये छोटा सा एक देश बनाया जाएगा, तो 7 अरब देश उनके ऊपर टूट के पड़ा, लड़ाई होगी। तो यहूदियों ने कहा भाई पैसा तो सही को ना, हथियार कितने खरीदा वहां, तो उन्होंने पंचायत करी, तो वहां एक 20-25 साल की एक नई लड़की कन्या गोल्डा मायर उसका नाम, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनी यहूदियों की, उसने कहा मैं अमेरिका में जाती हूं, अमेरिका के जितने भी व्यवसाय है उनमें सबका एकाधिकार यहूदियों का है, वो सारे मल्टी मिलियनेयर है। तो बोले यह छोरी क्या करेगी, बोले ना मैं जज्बे से भगाऊंगी। तो उसको ये कहा गया कि तेरे को $25 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है ताकि हथियार खरीद के लड़ाई अपनी लड़ी जा सके। वह कन्या जब न्यूयॉर्क में अमेरिका में उतरी तो उनकी जेब में 10 रुपया एक छोटो सो झोड़ो थोड़ की भी नहीं ठोकना, और जज्बा था सिर्फ, और आम लड़की थी। तो वहां जब शिकागो में कॉन्फ्रेंस हुई, सारा यहूदी धन्ना से इकट्ठा होया, तो सब बोले यार फिर मांगना आएगी पैसा, कब यहूदी भूखा मर रहे, कब हथियार खरीदने से कम की नहीं समय। उस लड़की ने खड़ा होके उस बोला सिर्फ तेरे को 3 मिनट दिया जा रहा है, छोरी जो बोलना सो बोल दे। उसने कहा देखो मैं थारा के भीख मांगन नहीं आई छू, थम दो या ना दो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इजराइल खत्म हो गया तो दुनिया से यहूदी खत्म हो जाएंगे। और ये मत सोचना कि थम साथ नहीं दो कर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे जब तक सांस है, इस बात का यकीन दिलाती हूं। इतनी देर में ताली बजी और आप ताजुब होगा जो ये कह रहे थे या फिर मांगन आ गई, उन्होंने हाथों हाथ 1.5 मिलियन उसी टाइम खड़ा कर दिया। और ताजुब होगी हद इस हद तक गुजर गए, होने लगी कि मैं इतना दूंगा, इतना सहयोग दूंगा। और अति ये हो गई, लोगों ने बैंकों को फोन किया कि तुम मेरे को कितना कर्ज दे सकते हो, क्योंकि मैं उस कर्ज को लेकर मैं अपने कौन को जिंदा रखने के लिए योगदान देना चाहता हूं। और जो छोरी $10 लेकर आई थी, जब उसने वो पूरा दौरा किया तो वो $500 मिलियन लेके गई, कहां सिर्फ $25 मिलियन का होता टारगेट था। तो ये है जज्बा कौम का, और ये आम आदमी की जरूरत है, हम किसी नेता से उम्मीद नहीं कर सकते। आप अपना जज्बा जगा दोगे तो रेजिमेंट मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। सरकार के काना खुले हुए हैं, एजेंसियां बैठी हुई हैं, वो इस चीज की रिपोर्टिंग करेंगे कि ये बसई में क्या मुद्दे पे बात हुई, कौन कितने आदमी भीड़ थे। छोटी छोटी पंचायतों की भी बातें ऊपर तक कन्वे करी जाती हैं, पर ये थोड़ी सी थारे घर जाकर बताएगा या अखबार में छापेगा। आप बैठना सीख लो हीरो और सुनना सीख लो, सब कुछ मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हासिल नहीं हो सकती। तो ये जो मिथ है, नैरेटिव है, इनको आगे नहीं बढ़ाओ, श्रोता बन जाओ, बैठने की कला सीख लो, बाकी जो राम जी करेगा वो सही करेगा। एक बड़ी कमी हर जगह रहती है आज, तो फिर भी मां भाण बेटी गणेश है। देखो भाई कोई सा बाबा जी ने कोई सा मोटा ने देख लो, हुई बाबा की दुकान सबसे टॉप पे चाल रही है, जिन मां भाण बेटी जो है अपना पाड़ा में कर ली। आधी जनसंख्या थारी उड़ाने से ये आवे ना 5% भी, और बात कहां तरह बनेगी। हमारे कई गांव में एक सर्विसमैन साहिबान ने बकायदा ही रेजिमेंट के गायन की पूरी टीमें खड़ी कर रखी है, और उनका हमारे को इतना फायदा, और वो सारी बूटी बूटी से। तो मेरी एक गुजारिश है, गांव में जित पंचायत हो मातृशक्ति का भी उतना योगदान हो, आके बैठ जाए। उसकी एक वजह है, देखो
आधे से ज्यादा घर का मुंह इसलिए नहीं आएगा, वीरवा ने नहीं देखा पता कितने रंडरों नाम जावा सा बैठ ना, अरे भैंस पानी पिया लिया नू कर लिया। अरे जब तक इनको तैयार नहीं करोगे कम से कम ये इतना कर दे कि घर का आदमी नुगर अरेंजमेंट के लिए पंचायत घर का बाहर निकल, और जब तक पंचायत में होकर नहीं आओगे रोटी नहीं दूंगी तो बात बनेगी। इनका बहुत भारी योगदान है, दुनिया सृष्टि ना चलेगी। तो जो मातृशक्ति का भी योगदान जो हो होना चाहिए, हर गांव में पंचायत में इनका निवेदन करा करो कि जी बेटा एक घंटा ही बैठा जाता नहीं तो, तो बात सुना, इनकी भावनाएं जाग गई तो सब कुछ हासिल होगा। दुनिया में एक शब्द है एल्मा मैटर, एल्मा मैटर बोलते हैं जिस इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेज से पढ़ा जाता है शिक्षा हासिल होती है, उसका शब्द का मतलब है स्टेप मदर यानी दूसरी माता। पहला स्कूल किसको कहा गया, जननी को, माता को कहा गया। तो जब ऐ स्कूल की सब कार्रवाई सही नहीं होगी तो धर्म की फतह हासिल करोगा। तो आगे से मां भाण बेटे की भागीदारी हर उसमें छोटे से बड़े प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा हो, ये मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं। ये जो आई है सबसे ज्यादा कीमती वक्त इनका है क्योंकि इन्होंने गृहस्थी चलानी है और गृहस्थी में भी रहते हुए इतना समय दे दिया, तो इनको भाई मेरी तरफ से वंदन, राम राम, नमन। देखिए एक जो बात उठी थी कि एक होता सामाजिक नेतृत्व तो, एक होता राजनीतिक नेतृत्व तो। आपके पास राजनीतिक नेतृत्व तो है, अच्छा है, वो चला रहे हैं, वो काम करते रहे, लेकिन सामाजिक नेतृत्व तो आप खड़ा करो। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जय गांव में भी जावा सा किसी भी गांव में एक ऐसा सरदार को ना जाए कि एक आवाज पर गांव इकट्ठे हो जाए। 50 साल पहले ऐसे मिलते थे सरदार, आई सरदार जय की एक किलकी के ऊपर पूरा गांव जो है खड़े हो जाए कर तो, तब तक हमारे अंदर सरदारी का गुण था, नहीं तो ये फॉर्म फॉर्म तब जाए था 1857 में कैसे 5000 आदमी जो है इकट्ठे हो गए लगने मारने के लिए, इसका मतलब सरदारी का गुण था। तो मेरी ये गुजारिश है सामाजिक सरदारी का गुण भी पैदा करो। हमारे लोगों ने बड़ी गलत चीज कर ली है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है इन्हीं को नेता मान लिया है, ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता है समाज के नेता नहीं है, इसलिए सामाजिक नेतृत्व तो खड़ा करो। और जिस कौम ने सामाजिक नेतृत्व तो खड़ा करा है वो कौम आज जिंदा है। मैं दोनों उदाहरण देता हूं, सरदारों के पास खाप रूपी मिसल थी, आज भी है उनके पास में, तो आज सरदार ठाटे हर क्षेत्र में छाए हुए हैं। जाट देख लो, जाटों के पास सामाजिक जो उनकी रीढ़ की हड्डी वो खाप है, तो हमारे भाई है उनसे सीखो, जब भी उनके ऊपर कुछ भी बात आती है एक आवाज उठती है खाप की, उनका नेता आवाज नहीं देता है और वो सारी कौम एकदम अपने आप खड़ी हो जाती है। तो सामाजिक नेतृत्व तो खड़ा करो, और मैं आपको फिर कहता हूं ये भाई बुरा नहीं मानो वाला सामाजिक नेतृत्व ये खड़ा नहीं होने देगा, अन्नू ला कहना भाई थारा ही पर मजदूर ना रहेगा, थारी पूछ कम हो जाएगी, लेकिन ये खड़ा करना ही पड़ेगा अगर कौम को जिंदा रहना है तो भाई। और मैं ऐसी वो फालतू की बकवास नहीं करूं, मैं तो सीखता बताता हूं, जाटों की सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में और सबसे कम आबादी जो मुख्य रूप से देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आपको ताज्जुब होगा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट सबसे तगड़ा, लेकिन राजस्थान का सबसे कमजोर हो जाता है। क्यों? ये जो खाप व्यवस्था है सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक है, राजस्थान में नहीं है। तो जो उनकी रीढ़ की हड्डी वो वहां नहीं है तो वहां कमजोर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कई लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे लेकिन भाई प्रयास करना ही पड़ेगा। चरेवती चरेवती, ठीक है ना। अभी हमारे एक बैंक मैनेजर साहब 31 मार्च को रिटायर हुए, उन्होंने अपने एक दीवा गोत्र की खाप खड़ी कर दी है तकरीबन, और दीवा छोटा गोत्र है। तो ऐसा नहीं है, आप आगा लोगे तो सब कुछ बनेगा। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से ये बसई की सरकारी को मैं कहना चाहता हूं, इतने अच्छे बैनर लगाए, इतना जबरदस्त आयोजन किया है, इतनी अच्छी जगह है, आपने समय और पैसा दोनों लगाया है, आपका बारंबार धन्यवाद।